नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश जिसका नाम है सिटी सेंटर। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा और प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, आपको बता दें, ने बाइक सवार को रौंद दिया है। जी हां, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर तलाया के निकट हुआ ये हादसा है। अपने काका के अंतिम संस्कार में वो जा रहा था। मृतक ट्रैक्टर छोड़ आरोपी चालक वहां से फरार हो गया है और आरोपी के तलाश में पूरी तरह से जुटी है। तो अपने चाचा के अंतिम संस्कार में जो मृतक है वो जा रहा था और उसी बीच इसकी भयंकर और भयावह एक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर होती है, जिसके बाद बाइक सवार जो है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर तलाया के निकट ये पूरा हादसा हुआ और अपने काका का, जैसे अपने चाचा के अंतिम संस्कार में वो मृतक जो है वो जा रहा था कि तभी एक ट्रैक्टर आता है और उसे रौंदते हुए चला जाता है। वालिब सी बात है, हम जैसे आपको अपने हमने पहले भी बताया, जो मृतक है वो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर तलाया के निकट अचानक से जब वो अपने काका के अंतिम संस्कार में जा रहे थे कि तभी एक ट्रैक्टर आता है और उसको रौंदते हुए उनको चला जाता है। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे साथ इरफान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। इरफान, कब की घटना है ये? बड़ा ही दुख होता है जब ये पता चलता है कि वो बेचारा जो मृतक हैं वो अपने काका के यानी चाचा के अंतिम संस्कार में जा रहे थे और अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होगा। कैसे हुई ये घटना, कब हुई, उसके बारे में जरा विश्लेषण बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, डोलापानी थाना क्षेत्र के नारायणी गांव का रहने वाला ये मृतक रोशन कुमावत एक रिश्तेदार के साथ अपने लिए लड़की देखने के लिए मध्य प्रदेश में गया था। दरअसल जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है, तो ऐसे में यह लड़की देखने के लिए मध्य प्रदेश गया हुआ था। मध्य प्रदेश सीमा के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां गया हुआ था। तो इसे सूचना मिली कि उसके काका का देहांत हो गया है। इस पर वह अपने रिश्तेदार को छोड़कर बाइक से अकेला ही अपने गांव नारायणी जा रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर तलैया गांव के निकट मिट्टी से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने इसे चपेट में ले लिया। इससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई और जो ट्रैक्टर चालक है वो ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग निकला। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जो मृतक है उससे उसका शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया गया। सूचना पर डोलापानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो मृतक का भाई है श्यामलाल उसने जो घटना हुई है उसको लेकर प्रकरण दर्ज करवाया है। फिलहाल जो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जो ट्रैक्टर चालक फरार हो चुका है उसकी तलाश में जुटी हुई है। जी इरफान, तो अभी जानकारी आपके पास क्या है, क्या पुलिस उसको जो चालक है, बस चालक है, ट्रैक्टर चालक है, उसको पकड़ने में जुटी है? अभी तक कुछ अपडेट आया है कि वो पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है? दरअसल जो ट्रैक्टर है घटना करने के बाद में जो ट्रैक्टर चालक वो ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था, तो ऐसे में जो ट्रैक्टर है उसे तो पुलिस ने जब्त कर लिया है और जो ट्रैक्टर चालक है जो घटना के वक्त जो ट्रैक्टर चला रहा था उसकी तलाश लगातार की जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक है उसे गिरफ्तार नहीं किया है। जी ठीक है इरफान, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो करौली से है अगली खबर जिसका हम आपको बता दें। हुआ यह है कि चंबल नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। मंडरायल इलाके के चंबल नदी में डूबने से ये मौत हुई है इन दो बच्चों की। मंडरायल क्षेत्र में मजदूरी करने आए थे ये दोनों युवक, नहाने के दौरान नदी में डूबने से ये मौत हुई है उनकी। सिविल डिफेंस टीम ने शवों को नदी से निकाल लिया गया है। तो ये हम आपको दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि करौली से आ रही है। चंबल नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हुई थी और बताया जा रहा है कि ये जो दोनों युवक थे ये यहाँ पर मजदूरी करने आए थे और जाहिर सी बात है गर्मी बहुत है इसलिए नहाने के दौरान नदी में वो गए थे और तभी नहाने के दौरान ही डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि जैसे हमने आपको पहले भी अवगत कराया इस बात से कि सिविल डिफेंस टीम ने शवों को नदी से निकाल लिया है। और वही हनुमानगढ़ के गाँव भूकरका के पास रात सड़क पर चल रही
ऊंटनी कार की टक्कर से घायल हो गई है। ऊंटनी को पीछे से टक्कर लगी है जिसके कारण वो पीछे की तरफ ढह गई और कार के आगे के शीशे को तोड़ते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसमें फंस गई। हालांकि दुर्घटना में गनीमत रही कि कार चालक को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन दुर्घटना से कार चालक बुरी तरह से घबरा गया। घायल भगवान गांव का व्यापारी बताया जा रहा है, जिसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं ऊंटनी को कार से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऊंटनी के भी दुर्घटना में चोटें जरूर आई हैं, जिस पर वेटनरी डॉक्टर्स को भी मौके पर बुलाया गया है और उसका उपचार करवाया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है और उसकी एक झलक जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे। कल रात को करीब 9 बजे बुकरका रोड पर बुकरका गांव के पास एक ऊंटनी और कार में एक्सीडेंट हो गया था। एक आवारा ऊंटनी थी जो सड़क पर घूम रही थी, अंधेरे में कार वाले को पता नहीं चला तो कार की टक्कर लगी। कार का विंडशील्ड तोड़ते हुए अंदर की तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी, उनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। कार चालक के कोई चोटें वगैरह नहीं आई और ऊंटनी के भी मामूली चोटें लगी थी, जिस पर उसको मौके पर ही वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसको ट्रीटमेंट करवाया गया था और यातायात को सुचारू करवाया गया था। तो वहीं बूंदी में घर में घुसकर एक युवक की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने युवक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इलाके में हत्या की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्य में ये मामला प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है, ये उन्हें समझ में आता है। पुलिस को मृतक की पत्नी पर भी शक है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, हिंडौली DSP घनश्याम मीना और थाना अधिकारी मनोज मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। मौके पर कोटा से FSL और MOB टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करने के बाद शव का हिंडोली अस्पताल में पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है और दबलाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। तो भाई बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े, हम आपको बता दें, महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। चिकित्सालय में महिला अपने बच्चों का उपचार कराने के लिए आई थी, जिसके साथ अस्पताल के ही एक नर्सिंग कर्मचारी ने शराब के नशे में ना केवल छेड़छाड़ की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। महिला के परिजनों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से इस घटना की शिकायत जो है कर दी है, जिसके बाद प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह ने बताया है कि शिकायतकर्ता महिला के बच्चे का अस्पताल के बर्न यूनिट में उपचार चल रहा था, वहीं पर तैनात एक नर्सिंग कर्मचारी ने शराब के नशे में महिला के साथ छेड़छाड़ किया और उसके बाद खूब मारपीट भी करने लगा। पुलिस कार्रवाई में जुटी। शराब के नशे में जिला अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की कोशिश की गई थी, जिस पर तुरंत ही संज्ञान लेकर जब आसपास बात करी गई तो पता चला कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया नर्सिंग कर्मचारी के द्वारा, तो तुरंत ही पुलिस थाना कोतवाली को सूचना देकर अग्रिम कार्रवाई की के लिए मांग करी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भाई नागौर के मेड़ता सिटी में आपको बता दें, दो पक्षों में झगड़े के विरोध में धरना जारी है। प्रशासन के साथ दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही है, माफ कीजिएगा। वहीं आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ तीसरे दौर का वार्ता होगा। सूत्रों की माने तो तीसरे दौर की वार्ता सफल होने के आसार हैं। दरअसल बताते हैं, पूरा मामला यह है कि कई मांगों को लेकर पीड़ित परिवार के साथ शहरवासी धरने पर बैठे हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 24 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही मेड़ता सिटी में भारी तादाद में पुलिस और RSC के जवान तैनात हैं। हालात इस कदर हैं कि मौके पर कलेक्टर और SP मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बताते चलें कि मेड़ता सिटी में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हो गया था। दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया था। हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे।
तो वहीं भीलवाड़ा में पेयजल की समस्या को लेकर हम आपको बता दें, अनोखा प्रदर्शन किया गया है। जी हाँ, लोगों ने फिल्मी गानों पर साहब डांस करके प्रदर्शन किया है, साथ ही सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाहर चक्का जाम भी किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये जो पूरा मामला है वो तिलक नगर इलाके का है। तो आप देख सकते हैं कि पेयजल की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर मटका है, फिल्मी गाने हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मटके हैं वो यहां पर खाली पड़े हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे पास पीने को पानी नहीं है, जिस वजह से पेयजल की समस्या है। भीषण गर्मी है और उसके बाद पेयजल की समस्या लोगों का जीना मुश्किल की भी है। उसी को लेकर फिल्मी गानों पर डांस और ये मटका को फोड़ कर ये प्रदर्शन। और कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी है। जी हाँ, जेईई एडवांस के आए नतीजों में कोटा के छात्र वेद लाहोटी ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। गर्ल्स कैटेगरी की अगर बात करें तो भी द्विजा पटेल ने ऑल इंडिया में पहली रैंक पर कब्जा जमाया है। रिजल्ट जारी होने के बाद कोटा में जश्न का माहौल भी है। ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स वेद लाहोटी ने अपनी इस कामयाबी पर क्या बोला है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली की रिपोर्ट। फिर बाजी मारी है और कोटा कोचिंग के छात्र वेद लाहोटी ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। वेद, क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए? मैं मतलब अब बहुत खुश हूँ कि ये मुझे अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, और इससे मुझे ये प्रेरणा भी मिलती है कि मैं आगे भी अच्छा करता रहूँ। क्या इसका मंत्र था, कैसे आपने पढ़ाई की, और क्या कहना चाहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए जो शामिल होंगे इन परीक्षाओं में? मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रहे, अपनी जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें, और टीचर्स से एडवाइस ले, वो जो भी कहे उसे फॉलो करें। सब्जेक्ट वाइज भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आप तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और क्या दूसरी जो आपकी हॉबीज़ है वो भी आप पूरी होती थी इसमें? मतलब मैं लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था, और मैंने फिजिक्स में मतलब फार्मूला वगैरह याद करने की बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया। केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया, और मैथ्स में मैंने कंसेप्ट समझने के अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दिया। क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्रिकेट वगैरह या कोई गेम्स वगैरह भी खेलते थे आप? हाँ, मतलब मैं क्रिकेट और चेस देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। अब क्या ड्रीम है आपका आगे? अभी मतलब मेरा कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अभी IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ब्रांच लूँगा, और आगे इसी फील्ड में जाकर इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूँगा। तो इंडिया के डेवलपमेंट में भागीदारी निभाएंगे, उनके परिजन भी मेरे साथ है। कैसा लग रहा है सर, बेटे ने जो है मुकाम हासिल किया है बड़ा? बहुत ही खुशी और आनंद का क्षण है, और ये जहाँ तक मैं मानता हूँ पूरे देश, शहर, गांव, परिवार, हम सभी के लिए आनंद और गौरव का क्षण है। क्योंकि गौरव इसलिए दुगना हो जाता है, आनंद इसलिए दुगना हो जाता है कि जो आज तक JEE एडवांस के इतिहास में नहीं हुआ वो आज कारनामा वेद ने करके दिखाया। आज तक इतने मार्क्स कभी किसी को नहीं मिल पाए, और JEE एडवांस जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी कठिन एग्जाम होती है, काफ़ी मुश्किल एग्जाम होती है, क्लियर करना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसमें अगर इंडिया में टॉप रैंक और अभी आप हिस्ट्री मेकिंग बनाते हुए लेकर आते हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही आनंद और गौरव की बात है। अभिभावकों की भी ये परीक्षा होती है, अभिभावकों के लिए भी बड़ा एग्जाम होता है बेटा ने क्रैक, और अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें? नहीं, मेरा मतलब जितने भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बालकों के, उनको यही मुझे यही कहना है कि जो बच्चे में जो टैलेंट है पहले उसको पहचानने की कोशिश करें, बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड है, अननेसरी अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे पर नहीं डालें फोर्सफुली। बच्चे का रुझान अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई की तरफ उसके अग्रसित करें, अगर खेल में है या किसी और चीज़ में रुझान है तो उसे वहाँ भेजें। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई सब कुछ है, आप क्रिकेट की दुनिया में जा सकते हैं, खेल में जा सकते हैं, किसी और एक्टिविटी में जा सकते हैं, पर बच्चे का इंटरेस्ट जानना जरूरी है, बच्चे का टैलेंट जानना जरूरी है, और उसी के बेस पर आपको नेक्स्ट स्टेप और आगे की एक्टिविटी करना चाहिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है, आप किसकी खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए, क्योंकि इतना कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब टॉप 1 पे आना प्लस उसका एक नया रिकॉर्ड बनाना।
यहाँ हजारों बच्चे रहते हैं, साथ में उनकी माँ भी रहती हैं। उन माँ को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे वो? मैं सभी को यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों पर एक तो पूरा विश्वास करना चाहिए और किसी दूसरे बच्चों से उसकी कभी तुलना नहीं करें। बच्चों को यही समझाएं कि वो तुलना करें तो अपने आप से तुलना करें। ऑल इंडिया टॉप रैंक आने वाले वेद लाहोटी खासे खुश हैं, साथ साथ उनके परिजनों का, उनके अभिभावकों का, देश के अभिभावकों से अपील उन्होंने की है कि अपने बच्चे की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उसको दिलाएं, उस पर दबाव ना डालें। कई सारे विकल्प होते हैं, अगर उन विकल्पों की ओर बच्चा जाना चाहता है तो उसको उस ओर ले जाएं। तो यहाँ कोटा में खुशी का माहौल है क्योंकि ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है कोटा की कोचिंग के छात्र ने, और जिस तरह से लगातार कोटा क्योंकि सुर्खियों में रहता है, एक बार फिर जो है नतीजों को लेकर कोटा सिरमौर बन रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। और वही बाड़मेर पुलिस ने 50,000 के इनामी वंचित अपराधी ठाकरा राम को गिरफ्तार कर लिया है। ठाकरा राम NDPS के मामले में पेरोल पर बाद में फरार चल रहा था, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी पहले बाड़मेर जिले के सिंधरी थाना अधिकारी पर हमला कर फरार हुआ था। वहीं कुछ दिन पहले बाड़मेर के नागाड़ा थाना इलाके में डोडा पोस्त की कार्रवाई के दौरान भी पुलिस की टीमों को चकमा देकर फरार हो गया था। बाड़मेर पुलिस ने टीम का गठन कर प्रतापगढ़ जिले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाड़मेर लेकर पहुंच चुकी है। इस दौरान बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसराम बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी। आरोपी ठाकरा राम पुत्र मानाराम जाट बालोतरा जिले के बायुतू थाना अंतर्गत बुठसरा गांव का निवासी है और आरोपी जो है वो ठाकरा राम प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी सिरोहे के अनादरा थाना बालोतरा के बायुतू पचपदरा नगड़ा पुलिस थाने में NDPS आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में वंचित चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसका नाम है ठाकरा राम और पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर सफलता आखिरकार पा ली, इसे हिरासत में ले लिया। 50,000 का इनामी वंचित अपराधी है ये आदमी। पेरोल पर पुलिस को चकमा देकर पहले भी फरार हुआ था और NDPS धारा में पुलिस ने इसे इस बार गिरफ्तार कर लिया है। और पहले भी जैसे हम आपको बता रहे थे, सिंधरी पुलिस अधिकारी पर इसने हमला किया था और भाग गया था। पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन करके सफलता आखिरकार पा ही ली। और गंगापुर सिटी में गुर्जर आंदोलन के प्रेरणता युग पुरुष स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का अनावरण की तैयारियां की जाएंगी। कर्नल बैसला की मूर्ति का अनावरण 13 जून को उनके पैतृक गांव मुंडिया में कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शिरकत करेंगे और कर्नल बैसला की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटी है। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बेंसाला भी तैयारियों का जायजा लेने गंगापुर सिटी पहुंचे हैं। इस दौरान सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया और सर्व समाज को मुंडिया पहुंचने का न्योता भी दिया गया। तो वहीं उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दिन की शुरुआत महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित करके की। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पुरानी परंपरा के मुताबिक कल सुबह मोती मगरी पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। साथ ही 485 किलो चूरमे के लड्डू का भोग भी लगाया गया। इस मौके पर मोती मंगरी पर इस खास हवन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने आहुतियां देकर अपने परिवार की परंपरा का निर्वाहन किया है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महाराणा प्रताप जयंती पर प्रताप की वीरता और बलिदान को याद किया, तो वहीं संपूर्ण देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं भी दी। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि मेवाड़ में तारीख के अनुसार जयंती मनाने की परंपरा है और सभी के सहयोग से ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हर्षोल्लास के साथ सभी महाराणा प्रताप की जयंती मनाते भी हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप के वंशज होने का एहसास ही गौरवान्वित महसूस कराता है।
तो मोती मंगरी पर खास हवन हो रहा है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान को याद किया गया है। महाराणा प्रताप की 400 महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी गई है। 484 किलो चूरमे के लड्डू का भोग चढ़ाया हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि कैसे उनकी प्रतिमा पर उन्हें पहले अच्छे से साफ करके उस पर माल्यार्पण किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा जोश, बड़ा उत्साह है, और जो इतने सालों की जो मेहनत थी लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने की, और आपके भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक अन्य माध्यम से जो लोगों तक ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को जो है हमारे विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती को मनाने का, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि काफी हद तक इस देश के अंदर जो है आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज की जो है वो जयंती मनाई जा रही है। तो बड़ी खुशी है, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का जो है वो युवा खास तौर कर बढ़ चढ़कर जो है इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, और पूरे देश भर को जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। आखिर ये मंदिर क्यों खास है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से सराबोर चित्तौड़गढ़ अपने दर्शनीय मंदिर, ऐतिहासिक इमारतों और आकर्षक पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से खास अहमियत रखता है श्री सांवलिया जी मंदिर। इस मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी के काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। अपनी सुंदरता के कारण हर साल लाखों भक्तों को ये मंदिर बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। हम तकरीबन 2 से 4 साल से यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, हर महीने आते हैं। सांवरिया जी, सांवरिया सेठ का स्थान बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है और कई सारे श्रद्धालु आते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सांवरिया सेठ को पार्टनर बना रखा है और सेठ जी उसमें पार्टनर रहते हैं, अच्छे व्यापार और बिजनेस चलते हैं, और श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है सांवरिया सेठ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर ट्रस्ट की व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी है। अभी गर्मी के अंदर फुहारों की व्यवस्थाएँ हैं और मंदिर की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हम हर महीने आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सांवरे सेठ की कृपा हमारे पे भी है और सब पर बनी रहे। मैंने 2 महीने पहले मन्नत मांगी थी भगवान से, जो कि आज पूरी हो गई है, इसलिए माथा टेकने के लिए इधर आए हैं। हम पूरा फैमिली है, मेरे मम्मी, मेरे दादी, मेरे सासू माँ, मेरे वाइफ और मेरे बच्चा। बिजनेस का नहीं, तो एक प्रॉपर्टी का है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों को कमाई होने का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा किया करती थी और अपनी टोली के साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ रहती थी। लेकिन औरंगजेब की मुगल सेना से बचने के लिए संत दया राम ने मूर्तियों को एक गड्ढे में छुपा दिया, जो बाद में एक ग्रामीण ने निकाली। धन प्राप्ति के इच्छुक भक्त मन ही मन में अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को पार्टनर बना लेते हैं और उनका हिस्सा खुद ही मंदिर में भेंट करके चले जाते हैं। यही वजह है कि भक्तों द्वारा हर महीने करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हर महीने चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला जाता है। मंदिर के दान पात्र से निकले रुपयों की गिनती भी 3 से 4 दिन में पूरी होती है। हर महीने निकलने वाली राशि अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देती है। चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है, जो भगवान की राजभोग आरतियों के पश्चात भंडार की खोला जाता है, और उसमें हमारे मुख्य कार्यपालक महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी एवं सदस्यगण एवं कर्मचारी बैंक कर्मी उपस्थित रहते हैं, और समस्त कर्मचारी एवं बैंक कर्मी की उपस्थिति में भंडार
की गणना की जाती है। प्रथम चरण की गणना में लमसम 4.5 करोड़ के आसपास निकले थे, आज द्वितीय चरण की गणना हुई है उसमें लमसम 6 करोड़ की गणना हो चुकी है। श्री सावनिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। अभी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके अलावा भादसोड़ा से मंडाफिया तक सड़क का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर डेकोरेटिव फिनिशिंग वर्क स्टोन से किए जा रहे हैं। करीब 35 करोड़ की लागत से कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, राउंड भी लगाया होगा कि बासोड़ा चौराहे से आप आएंगे तो वहीं से नया रोड है वो बन रहा है, और एक पाथवे है वो भी बन रहा है, और एक कॉरिडोर भी यहाँ बनाया जा रहा है जो काफ़ी खूबसूरत है, और एक हेरिटेज लुक में कॉरिडोर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही सर्किल बन रहा है, और फसाड लाइट्स जो यहाँ का आकर्षण है, मुख्य आकर्षण है, शाम के समय इवनिंग टाइम में जब रात के टाइम पे लोग आते हैं और उसका आनंद उठाते हैं, और साथ ही धर्मशालाएं जो हैं यात्रीगण को और कम शुल्क पर यहाँ पे रहने की, रात्रि विश्राम की व्यवस्था मिले इसके लिए धर्मशालाओं का भी बंदोबस्त किया गया, कम शुल्क पे वो व्यवस्था है। भोजनशाला भी मिनिमम चार्ज पर यहाँ संचालित है कि अच्छा क्वालिटी का और शुद्ध और शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिले, वो व्यवस्था भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है। श्री सावलिया सेठ मंडाफिया मंदिर से निकली दान राशि मंडाफिया क्षेत्र के 16 गांवों के विकास के लिए भी खर्च की जाती है। ये भक्तों की श्रद्धा ही है कि यहाँ चढ़ावा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही मंदिर की कांति भी पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं, वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और मासिक रूप से अगर हम जाएँ तो 12-15 करोड़ के आसपास लगभग मिनिमम यहाँ भेंट राशि के रूप में, और इसके अतिरिक्त धातु के रूप में हमें यहाँ भेंट राशि या अन्य सामग्रियाँ जो हैं प्राप्त होती हैं। उनकी गणना भी मासिक रूप से की जाती है, 3-4 दिन गणना चलती है। अभी ऑनलाइन भी भक्तगण यहाँ राशि भेंट करते रहते हैं, और ये समस्त सामग्रियाँ और जो भेंट राशि प्राप्त होती है उसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको हम केंद्र बिंदु के रूप में रखें। इसीलिए कहते हैं कि जिनके हृदय में सावरिया सेठ बैठ जाते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से NDTV के लिए सलमान की खास रिपोर्ट। जी हाँ, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान।